भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मंत्री दीपक जोशी के खिलाफ जगह जगह पोस्टर लगे हैं जिन पर क्रॉस के निशान के साथ लिखा है कांग्रेस से नहीं चलेगा। दीपक जोशी ने कहा यह सब विपक्षियों का किया धरा है। दीपक जोशी के खिलाफ खातेगांव क्षेत्र में पोस्टर लगे हैं। पोस्टर में दीपक जोशी के फोटो पर क्रॉस निशान के साथ ही लिखा है कांग्रेस से नहीं चलेगा नहीं चलेगा। कांग्रेस में टिकट वितरण से पहले विरोध में पोस्टर पर पूर्व मंत्री दीपक जोशी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा यह विपक्षी दल ने जारी किया है, मुझे तो प्रचार मिल गया, भाजपा प्रत्याशी तय होने के बाद यह पोस्टर जारी हुआ है। उन्होंने कहा मेरा विपक्ष फलता फूलता रहे, मेरे पोस्टर लगाता रहे, लेकिन विपक्षी दल को कांग्रेस प्रत्याशी तय करने का अधिकार नहीं है। भाजपा प्रत्याशी को बड़े वोट बैंक के खिसकने का डर है, इससे मेरे कांग्रेस में नंबर बढ़ गए, मेरे दुश्मन सलामत रहें, मेरे पोस्टर लगाते रहें। क्योंकि राजनीति में हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बने, और इस चुनाव में मेरे ख्याल से पहला फाइट विपक्षी दल द्वारा कर दिया गया, क्योंकि पोस्टर के साथ ये कहा गया कि नहीं चलेगा, तो चलेगा क्या ये उनको स्पष्ट करना था। जो विरोध था उसको नहीं दर्शाया, लेकिन सुबह सुबह मुझे कम से कम 25-50 फोन इसलिए आ गए कि आप ही हैं, आपका फोटो हमने आज देखा, आप ही हैं, हमने आपका फोटो देखा। तो मुझे तो लगा कि एक प्रचार मुझे मिल गया। विपक्षी दल की प्रत्याशी की घोषणा हो गई, घोषणा होने के बाद उन्होंने ये पोस्टर शायद जारी किया है, तो मुझे तो लगता है कि मुझे तो प्रचार प्रसार का एक अच्छा मौका उन्होंने दे दिया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।